अभी हम लोग उज्जैन में घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूँ डिनर करने, और जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम पे, जिस ओवरब्रिज पे खड़े हैं, यहाँ मेरे पीछे प्लास्टिक की शीट्स लगी हैं। मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा सा झांक के, ये देखो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। और अभी हम लोग इस टाइम पे हैं प्रयागराज जंक्शन, और मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है उस ट्रेन में बैठकर हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। मम्मी पापा रिशु सब लोग अंदर बैठे हुए हैं ट्रेन में। तो अभी ट्रेन चलने वाली है 10 मिनट में यहाँ से। ट्रेन का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, ददन एक्सप्रेस भी बोलते हैं, प्रयागराज ददन। और ट्रेन नंबर है 14116. अभी हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है वो अराउंड है 3:20, और अनुमानित समय है पहुंचने का उज्जैन सुबह के 6:30। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, मम्मी पापा और रीशु और बढ़िया एडवेंचर हो गया सफ़र की शुरुआत में। मम्मी गिर चुकी, जिस ई रिक्शा से आए वो ई रिक्शा धीमा था, लेकिन महाकाल के दर्शन जो होते हैं ना वो परीक्षा लेकर ही होते हैं, वो परीक्षा लेते हैं तब अपने दर पे पहुंचाते हैं। मैं भी आदि कैलाश गया था तो मेरी परीक्षा हुई थी, तब हुआ था दर्शन, मतलब दर्शन होने के बाद परीक्षा ली थी उन्होंने। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जब भी आप महाकाल के, महादेव के कहीं भी दर्शन करने जाओगे, किसी भी भगवान के, कोई भी काम करोगे, बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अंत भला तो सब भला, बस दर्शन अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार शुरुआत हुई हमारे जर्नी की उज्जैन के लिए, और 3:20 पे ट्रेन चल दी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आई थी प्रयागराज ददन एक्सप्रेस 14116। चूंकि हम लोगों ने स्लीपर का रिजर्वेशन कराया था तो स्लीपर का एक साइड का एक लोग का चार्ज था 460 रुपीज। उसके बाद हम सो गए खा पी के, और सुबह के 6:30 बजे एग्जैक्टली हम लोग पहुंच चुके थे उज्जैन नगरी। तो इससे पहले दोस्तों कि आप लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। वेबसाइट का नाम है मोस्ट बेट, और इसमें एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसको स्पिन करने पर आप डेली कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिंक इसकी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके फर्स्ट डिपॉजिट पे आप 30,000 बोनस पॉइंट्स तक भी जीत सकते हैं। बाकी मेरा प्रोमो कोड घुमक्कड़ प्रयागी डालना मत भूलना। बाकी इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैसिनो, अंदर बाहर एक्सेट्रा। बाकी जिन्हें सिर्फ गेम भी खेलना है वो गेम भी खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो और अर्न करो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो फाइनली दोस्तों आगमन हो चुका है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। हम लोग आ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 6:30, ट्रेन अपने टाइम पे आ चुकी है, और आप भीड़ देख सकते हैं इस टाइम पे उज्जैन पे, कितनी सारी भीड़ है। तो भैया इस प्रकार हमारा आगमन हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन। बाकी स्टेशन के बाहर आपको टेम्पो ऑटो बहुत सारी मिल जाएंगी, आपको जहाँ भी जाना है उसके लिए। अभी हमारा पहला जो टास्क है वो है होटल ढूंढना। तो सबसे पहले होटल ढूंढते हैं, और ये है फिलहाल मेरे पीछे उज्जैन जंक्शन के बाहर का नजारा, मम्मी भाई पापा सब लोग साथ में। तो चलो होटल ढूंढते हैं, बताते हैं कहाँ हमने होटल लिया। अब पापा ने स्टार्ट किया धर्मशाला वगैरह को कॉल लगाना, लेकिन 25 दिसंबर जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उज्जैन, उस दिन था क्रिसमस, और न्यू ईयर तक बहुत ही ज्यादा भीड़ रहने वाली थी उज्जैन में, तो सारे होटल धर्मशाला सब बुक हो चुके थे। तो बड़ा टास्क है ये होटल ढूंढना, सारे होटल जो आसपास के हैं, स्टेशन के, महाकाल मंदिर के, सब बता रहे हैं रेट ज़्यादा है कम है। ये खैर मुझे पता नहीं है, बिकॉज लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और खुद सर्च करना चाहिए। तो मम्मी लोग स्टेशन पे खड़ी हैं, पापा लोग सब लोग, पापा गए हैं मतलब रिटायरिंग रूम पता करने, वो तो ऑफ कोर्स फुल होगा। तो मैं देख रहा हूँ कई धर्मशाला या होटल मिल जाती है अच्छे प्राइस में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रेट है। होटल्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब आसमान छू रहे थे, 4,000, 3,000, 5,000 दो लोगों के, और हम लोग थे 4 लोग। लेकिन भैया ना महाकाल की नगरी आए और खाली हाथ लौट गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया फाइनली होटल मिल गया, जो हमारे यहाँ पे दूध बन चुके हैं पंकज भैया, जो कि यहाँ पे ऑटो वाले हैं, और इन्होंने बढ़िया थोड़ा सा आउटर में आके होटल दिला दिया। आउटर तो नहीं, मंदिर के पास में मिल गया, लेकिन थोड़ा सा अंदर गली में। और होटल का जो प्राइस है वो है 2,000। तो 4 लोग हम लोग रुक रहे हैं 2,000 में। बाकी इस टाइम पे होटल के प्राइजेस आप बताइए क्या है उज्जैन? 3,000, 4,000, 5,000, और इसमें भी 2 लोगों का, लेकिन हमको जो है पंकज भैया की बदौलत 2,000 में 4 लोग का रूम मिल चुका है। होटल का नाम है शिवालय रेसिडेंसी। एग्जैक्ट लोकेशन क्या बोलेंगे भैया इसको, इस जगह को क्या बोलेंगे? इस जगह को बोलेंगे नीलगंगा थाने के बैक साइड में। नीलगंगा थाने के बैक साइड में है शिवालय रेसिडेंसी। नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है वीडियो में। तो आइए दोस्तों आपको अपना रूम दिखाता हूँ। जैसे हम एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हो कितना छोटा रूम है। इसमें मम्मी पापा लोग सो जाएंगे, और नीचे गद्दा बिछा के हम और रिशु सो जाएंगे। तो 4 लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब 4 लोग से ज़्यादा पांचवा इंसान नहीं आ सकता, पांचवा इंसान ऐसे सोना पड़ेगा। और ये बगल में वॉशरूम है, वॉशरूम आइए आपको दिखाते हैं अंदर से। और छोटा सा वॉशरूम है लेकिन काफ़ी साफ़ है, सही है।
अभी हम लोग दर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, यहाँ से निकलेंगे। 500 मीटर बगल में है उज्जैन महाकाल मंदिर, और ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो बस इसके पार ही है उज्जैन महाकाल मंदिर। बाकी दोस्तों उज्जैन की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल यहाँ पर स्वयं विराजमान है। और इस यात्रा में आप दो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, एक तो महाकाल और दूसरा ओंकारेश्वर। महान सम्राट विक्रमादित्य के राज की राजधानी है, कालिदास जी की नगरी भी कहा जाता है, और काफ़ी प्राचीन शहर है। यहाँ पर भी हर 12 वर्ष में महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, ये सारी चीज़ें भी लगती हैं। चार शहर हैं आपको पता है ना, अमृत की बूंदें जहाँ पे गिरी थी उसमें से एक अपना प्रयागराज है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। तो हम लोग उज्जैन में हैं और यहाँ पर भी हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। वो है अपना होटल, और ये लाइन क्रॉस करके अभी हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है चूंकि मंदिर, तो पैदल ही जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और आगे से बस बाएं मुड़ना है अपने को। अब लग रहा है ना महाकाल की नगरी आए हुए हैं, अब कंप्लीट वाइब मैच हो रही है, अंदर का बाहर का प्रॉपर मैच कर रहा है। और ये मैंने कुर्ता लिया और ये लिया 200 रुपये में, दोनों मिला के 200 रुपये। तो इस प्रकार हमें हमारा होटल मिल गया, शिवालय रेसिडेंसी, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सारा मैं स्क्रीन पे दिए दे रहा हूँ। इस होटल की खास बात यह है कि गली में अंदर शांति में स्थित है, और उज्जैन स्टेशन से भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि उज्जैन महाकाल मंदिर से, मतलब स्टेशन और महाकाल मंदिर के बीचों बीच है, और 200-300 मीटर पे स्टेशन है, 200-300 मीटर पे मंदिर है। ये है भैया मेन गेट, चलते हैं अंदर। भैया मेन चीज़ है, हम दर्शन करने तो आए हैं, आप लोग को दर्शन भी करवाना है, तो शूट कर पाएंगे कि नहीं वो अंदर चल के ही पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा पहले। और भाई ये आप देख सकते हो मेरे सामने महाकाल लोक कॉरिडोर जो बना हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगा आपको। ये स्टार्टिंग में गणेश जी की मूर्ति है, और उधर वॉशरूम महिला पुरुष मिल जाएगा, और ये है कॉरिडोर। गूज बम्प्स उधर जो मैं देख पा रहा हूँ ना, वो अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी ये देखो सामने, वाह यार, भाई साहब, भाई असली मज़ा तो यहाँ आने वाला है रात के टाइम जब लाइटिंग पूरी ऑन होगी। अभी तो दोपहर को बस ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको, अभी दिखाता हूँ आपको जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो चीज़। पापा खुश हो गए, बोल रहे हैं मैं एक एक चीज़ जा रहा हूँ पढ़ने क्या क्या लिखा हुआ है। और मम्मी खुश हो गई, मम्मी आज स्पीचलेस हो गई बेचारी। वैष्णो देवी इतना चली, यहाँ पे थोड़ा चलने में थक गई। आदत बनाओ चलने की, वैष्णो देवी के बाद चली नहीं ना ज़्यादा, घर में सिर्फ बैठ के खाना मैं बनाता था, खाना रीशु खाना बनाता था, मम्मी सिर्फ खाती थी। किचन में जो शूट करते थे कौन बनाता था? यहाँ पे एनर्जी मांगो मिलेगी। वीडियो के टाइम पे तुम आ जाती थी ना, बनाते तो हम लोग थे। अभी आपको महाकाल लोक के सिर्फ ग्लिम्प्स दिखाता हूँ, बाकी शाम को ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। तो अभी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखाया है, पहले हम लोग दर्शन करते हैं महाकाल जी के, और शाम को आपको महाकाल लोक दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। भाई बनाया तो बहुत भव्य है यार। इसके पहले जब ये कॉरिडोर नहीं बना था तो कौन लोग आए थे तब, क्या ये थोड़ा सा भी था? क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद तो एकदम ही चेंज हो गया है मेरे ख्याल से। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ, कॉरिडोर ही देख रहा हूँ पहली बार सामने से, लेकिन पहले कैसा था कमेंट्स में आप लोग बताना। तो भाई जो सरप्राइज़ बताने वाला था वो सरप्राइज़ आ चुका है, बस आप लोग देखते जाओ ब्लॉग, बाकी सारी चीज़ें आपको बाद में बताते हैं। बाकी मम्मी पापा सामने बैठे हुए हैं, सरप्राइज। तो सरप्राइज जो मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। चलो फिलहाल दर्शन करते हैं। प्रसाद हमने ले लिया हाथ धो के, और 150 रुपए का प्रसाद मिलेगा। बाकी आप जनरल लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लगी हुई है, अगर आप जनरल लाइन में लग के दर्शन करते हो तो 2-3 घंटे का समय पीक सीजन में लग सकता है। इसके अलावा पेड दर्शन भी अवेलेबल है, 250 के दर्शन, 1500 के दर्शन, ये सारी चीजें भी हैं। मैंने पर्सनली एज एन इन्फ्लुएंसर जिलाधिकारी जी को उज्जैन के लेटर लिखा, सीएम मंत्रालय में लेटर लिखा, तो मुझे परमिशन मिल गई वीआईपी दर्शन की भी और वीडियो शूट करने की भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये महाकाल की कृपा है कि मैं उनकी आज्ञा से आपको उनके दर्शन करा पा रहा हूँ, बस मैं एक माध्यम। तो दोस्तों ये था सरप्राइज, आपको क्या लगा था कि हम उज्जैन आएंगे और सिर्फ बाहर से दर्शन कराएंगे? स्वयं भू महाकाल के दर्शन आपको करवा दिए। पापा कुछ बताना चाहेंगे, दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा जो है, और महाकाल की कृपा रही जो है, जो हम लोग जो है उनके सामने जाके जो है नतमस्तक होने का अवसर मिला, ये महाकाल की कृपा थी। और वो जो बता रहे थे कि शिवलिंग कैसा सामने से कैसा लग रहा था, अद्भुत ज्योतिर्लिंग, अद्भुत, बस हम लोगों को ये लग रहा था हम लोग शिवलोक में है, मजे आ गए, लग रहा स्वर्ग में आ गए। ओहो, हर हर महादेव। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं साक्षात प्रभु महाकाल जी का मंदिर। तो महाकाल के दर्शन के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं भारत माता मंदिर, जो कि बगल में है, उसी परिसर में है।
और यहाँ दर्शन करने के बाद अब कुछ खाएंगे भाई, बहुत देर भूख लगी है ना। अब इसके बाद हमको लगी थी तगड़ी भूख, तो सबसे पहले हम लोग लंच करने कॉरिडोर परिसर से बाहर निकले और वहां पर 100 रुपए, 130 रुपए, 160 रुपए, 180 रुपए आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको थाली की प्राइस मिल जाएगी। तो दोपहर के 2 बजे तक लंच करके दर्शन करके हम लोग फ्री हो चुके थे। अब बारी थी उज्जैन के आसपास के कुछ फेमस स्पॉट्स को घूमा जाए, विजिट किया जाए। तो हमने एक ऑटो बुक करी जिसने पर पर्सन 200 रुपए के हिसाब से 800 रुपए में हमें आसपास के कुछ फेमस स्पॉट्स को घुमाया। कौन कौन से स्पॉट्स है वो आइए दिखाते हैं। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है ना? तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करने पहुंचे भरथरी की गुफा में, जो कि उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। भरथरी गुफा दर्शन करने के बाद यहीं बगल में गौशाला भी है, तो यहाँ पर भी आइएगा। बहुत सारे गाय बछड़े हैं, तो काफी अच्छा गांव वाला वाइब है। मेरे यहाँ पहले गाय पली हुई थी, तो पापा को तो बढ़िया से आता है, पूरा दूध दूहना और सारी चीजें आती है। और ये देखो कितने क्यूट क्यूट है ना, पूरा यहाँ पे गौशाला है। ये देखो मम्मी से कितना दुलरा रही है। मोटू होगा वो देखिए, ये देखिए, ये जिंगी पिंगी छोटू का, तुम्हारा छोटू छूलेगा। ये देखो ये, और भाई छोटू मोटू का हाल है तुम लोग का? ये छोटू वो मोटू और ये डिक्की। उज्जैन तो चूंकि मंदिरों की नगरी कहा जाता है, और यहाँ के टेम्पो ड्राइवर ने ही बोला कि भाई आप 1 किलो चावल ले लीजिए, चावल में उतने दाने आपको नहीं मिलेंगे जितने उज्जैन में आपको मंदिर मिल जाएंगे। बाकी अभी हमारा सेकंड स्पॉट था गढ़काली का माता का मंदिर, जहाँ पे माता रानी की मूर्ति देख के दिल खुशी हो गया। हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर, और यहाँ पर पापड़ देख सकते हो, कितने बड़े बड़े पापड़ है। कितने का है ये? चलिए दर्शन करके आते हैं फिर। ठीक है ठीक है। काल भैरव मंदिर जैसे हम वहाँ पहुंचे, तो वहाँ हमने मदिरा की दुकान देखी, और काल भैरव जी को प्रसाद के तौर पर मदिरा चढ़ता है। ये मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन देखा पहली बार। बाकी उज्जैन महाकाल दर्शन के बाद आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ 2 घंटे आप मान लो आपको दर्शन में लगने वाले हैं। शाम को टाइमली पहुँच के कॉरिडोर भी कवर करना है महाकाल वाला ना, और 10 बजे तक ही ओपन रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी ये सारे जो है उज्जैन के आसपास के मंदिर घूम के होटल चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर कॉरिडोर दिखाएंगे आपको शाम को, वो मैं कवर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद 2 मंदिर हमने और विजिट किए। एक है संदीपनी आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। इसके बाद हम लोग दिन के अंतिम स्पॉट पे पहुंच गए, जो कि था मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर मंगल भगवान शिव जी के रूप में विद्यमान है, और यहाँ पर नंदी की जगह आपको भीड़ की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी 20-25 मिनट का हमें समय लग गया, बिकॉज भीड़ काफी थी। तो फाइनली दर्शन हो गए आसपास के मंदिरों के भी, और अभी आ चुके हैं हम लोग अपने होटल वापस। मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो दाल बाटी चूरमा के बजाय यहाँ पे क्रीम रोल खाया जा रहा है। ये देखिए, दर्शन करने के बाद क्रीम रोल का आनंद लिया जा रहा है, वाह क्या सीन है। तो फाइनली शाम के 7:15 बज रहे, और हम लोग आ चुके हैं महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोग भी बोलते हैं। अब दिखाते हैं आपको असली कॉरिडोर की लाइटिंग के नजारे। दिन में तो बहुत छोटा सा ट्रेलर था, अब दिखाते हैं असली मजे महाकाल कॉरिडोर के। ये झलक है, बाकी दिखाते हैं आपको। स्वागत है दोस्तों आपका उज्जैन में बने इस अद्भुत महाकाल लोक में, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ इस एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। और अभी फेज 1 का उद्घाटन हुआ है, जो कि 946 मीटर का है। अभी तो ये आधे से भी कम बना है, जब ये पूरा बन जाएगा तो आपके काशी विश्वनाथ में बने कॉरिडोर का भी 4 गुना लंबा होगा। यहाँ पर 108 से ज्यादा स्तंभ, शिव पुराण का चित्रण है, बहुत सारे शिव जी के रूपों का वर्णन है, मतलब बहुत सारी मूर्तियां हैं। मैं तो भाई पूरा घूम भी नहीं पाया, ये इतना लंबा बना हुआ है अभी, और अभी आधे से भी कम बना है। बाकी कंप्लीट महाकाल वाइब है भाई इस महाकाल कॉरिडोर में। भाई साहब इस टाइम पे कॉरिडोर आप देख सकते हो कितना ज्यादा भव्य बना हुआ है, और यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियां है ना, मतलब इतनी सारी और इतना बड़ा बना है ना कि मैं थकने लगा हूँ भाई। और आप देख सकते हो चारों तरफ कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार बना और बहुत बड़े एरिया में बना है। अभी अराउंड 2 किलोमीटर के एरिया में बना है, और 9.5 किलोमीटर के एरिया में बनने का प्रस्ताव है। सोचो मतलब अभी आधे से भी आधा बना है, और इतना खूबसूरत है, और इसमें ही थक गए अपन। तो भैया क्रिसमस डे के दिन में सेंटा क्लॉज घूमने आए हैं, महाकाल घूमने आए सेंटा क्लॉज, वो देख सकते हो आप। सो दिस इज आवर डे 2 इन उज्जैन, और आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग बस से जा सकते हैं या कार कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग 4 लोग हैं, तो हम लोग कैब कर रहे हैं, और गाड़ी है i10। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर भी डाल दूंगा सामने। 3,000 ले रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन कराने के, और गाड़ी है i10। अगर आप लोग बस से जाते हैं तो बस का पर पर्सन प्राइस 450 रुपये है, लेकिन चूँकि हम लोग 4 लोग जा रहे हैं और अपने टाइम से जाना आना हो जाएगा,
तो कार मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है। वैसे 1800 पड़ता हम चारों का, इसमें 3000 पड़ रहा है, 1200 का फ़र्क आ रहा है। तो ये आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, या तो बस या तो कैब। फिलहाल चलो नाश्ता करते हैं, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश का फेमस नाश्ता जो कि है पोहा। फिलहाल आप देख सकते हैं नाश्ते में यहाँ पोहा, जलेबी, सारी चीज़ें मिल रही हैं। भाई अब समझ में आया कि यहाँ का पोहा फेमस क्यों है। भाई एकदम अलग सा टेस्ट है। अपने साइड जो हम लोग यूपी में पोहा खाते हैं वो तो भाई तीखा होता है या मटर पड़ा रहता है, नमक रहता है। इसका टेस्ट मीठा मीठा है और बहुत ही अलग सा है। मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली गई हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ों से बना है, लेकिन बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अगर आप लोग आते हैं उज्जैन या मध्य प्रदेश इंदौर कहीं भी आते हैं तो पोहा यहाँ का ज़रूर ट्राई करना। बाकी इसका नॉर्मल जो पोहा है इसका प्राइस है 15 रुपये प्लेट। इसके बाद दोस्तों हमारा सफर शुरू हुआ ओमकारेश्वर के लिए जो कि उज्जैन से दूर है लगभग 140 किलोमीटर। यात्रा 3-3.5 घंटे की थी बिकॉज जो आगे का 70 किलोमीटर था वो पहाड़ी रास्ता था और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ये खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक ज्योतिर्लिंग है जो कि हमारे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो अक्सर जो लोग भी उज्जैन दर्शन करने आते हैं महाकाल के, वो ओमकारेश्वर ज़रूर जाते हैं और यहाँ पे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जी के दर्शन होते हैं। तो आइए ओमकारेश्वर के भी दर्शन कराते हैं इसी व्लॉग में आपको। ओमकारेश्वर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपके पास दो रास्ते होंगे दर्शन करने के, एक तो बोटिंग के माध्यम से और दूसरा आप ब्रिज के माध्यम से, जो केबल ब्रिज बना हुआ है उसको पार करके ओमकारेश्वर मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए लाइन काफ़ी लंबी रहती है और 4-5 घंटे आपको लगने वाले हैं। तो हम लोगों ने देरी ना करते हुए सबसे पहले बोटिंग का ऑप्शन चुना जिसका प्राइस 150 रुपये पर पर्सन था। और अगर आप पैकेज करवाते हैं मतलब एक बोट पूरी रिजर्व कर लेते हैं तो 1500 रुपये चार्ज रहता है, लेकिन आप लोग कंसेशन करवा के 1000-1200 करवा सकते हो। इसमें बोट वाला सबसे पहले आपको ममलेश्वर मंदिर में उतारेगा जहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर दर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद बोट वापस आएगी आप लोग जब नीचे आएंगे और फिर आप नर्मदा नदी, कावेरी नदी के संगम का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डैम बना है उसके दर्शन कर सकते हैं, विष्णु जी की एक यहाँ पे टेम्पल है उसके दर्शन कर सकते हैं और लास्ट में वो आपको ओमकारेश्वर उतारेंगे जहाँ पे आपको जो भी लाइन रहेगी, जितना भी टाइम लगेगा वो लगा के उनके दर्शन करने होंगे। तो ये कंप्लीट सीन है यहाँ का। एक जो बहुत शॉकिंग चीज़ हमें जानने को मिली वो थी, यहाँ के नाविक ने बताया हमारे बोट वाले ने, कि ममलेश्वर मंदिर के पास में नर्मदा नदी की जो गहराई है वो है 560 फीट। और मतलब 100-200 फीट वैसे गहरी हैं लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे 560 फीट गहरी हैं भाई साहब। तो यहाँ पे आपका कावेरी नदी जा रही है और ये नर्मदा नदी जा रही है। अच्छा, ये उधर जा रही है कावेरी नदी और इधर नर्मदा नदी जा रही है और इधर ही दोनों नदियों का संगम हुआ है। ये जो डैम बना हुआ है और ये आपका नर्मदा नदी। भैया नर्मदा नदी की गहराई कितनी बताई थी आपने? कहाँ? मंदिर के पास। कैसा लगा बोटिंग का एक्सपीरियंस? ठीक लगा, बढ़िया। मजा आया? लेकिन मजा आया अभी तक लग रहा है वो पहने हुए। वो लगा कि 560 फीट जो मैक्सिमम गहराई है। हाँ, ममलेश्वर मंदिर जहाँ हमने दर्शन किए थे वहाँ पे 560 फीट, मतलब 560 फीट गहरी है। कहीं 100 है, कहीं 200 फीट है, लेकिन उस मंदिर के पास सबसे ज्यादा गहरी है ऐसा बताया है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो हम लोग देख लिया जाएगा, लेकिन आगे हमने आपको दिखाया कावेरी और नर्मदा नदी का संगम, उधर विष्णु जी का दर्शन किया हमने और मजा आ गया। मतलब व्यूज और वीडियोस बहुत मस्त बने हैं, उसी के लिए मैंने बोटिंग करी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए वापस ना। आगे आगे देखिए कि जाते हैं हम कहाँ। हाँ, तो बता रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल खाना हो गया अपना और ये नर्मदा नदी से हमने जल भर लिया। अगर आप इधर आते हो ओमकारेश्वर तो यहाँ घाट के पास में ही ब्राह्मण भोजनालय, यहाँ पे खाना खा सकते हो। खाना काफ़ी बढ़िया है, टेस्ट सही था और वही प्राइस 100-150 रुपये थाली। तो ओवरऑल बजट तो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। फिलहाल चलो चलते हैं अपनी कार में वापस और उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं। कहीं बीच में बढ़िया चाय वाय पियेंगे और रात के 7-8 बजे तक उज्जैन पहुँच जाएंगे। और अब तक मेरे 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, एक केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल और ओमकारेश्वर। भैया ओमकारेश्वर और उज्जैन के रास्ते में ये कंचन रेस्टोरेंट पड़ेगा, यहाँ की चाय जरूर ट्राई करना है। इसमें लौंग, इलायची और बहुत सारी चीजें मिलाई है, काफी बढ़िया टेस्ट है। इसके बाद लगभग रात के 10 बजे हम लोग पहुंचे उज्जैन। बहुत तगड़ी भूख लगी थी मुझे और रीशु को, तो हम लोग पहुंच गए और महाकाल कॉरिडोर के सामने ही एक भोजनालय में वहां भोजन किया और अगली सुबह उठ गए हम लोग अपने शहर प्रयागराज जाने के लिए। आज है हमारी वही 1:25 की ट्रेन, वही सेम ट्रेन जिससे हम लोग आए थे, वही अब रिटर्न होगी। तो अब उसका जो नंबर हो जाएगा 14115। अभी जा रहे हैं ई रिक्शा या ऑटो बुलाने,
यहाँ से जाएंगे अपन स्टेशन और फिर मम्मी पापा लोग वहीं रहेंगे और हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे ना, नाश्ता वाश्ता करेंगे और बस कुछ घंटों में प्रयागराज के लिए ट्रेन हमारी चल देगी। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। तो फिलहाल मम्मी पापा लोग को ड्रॉप कर दिया स्टेशन पे, मतलब हम सब आ गए, सामान वगैरह सारा कुछ आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं उज्जैन के लिए, क्योंकि ओमकारेश्वर तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, वहाँ दर्शन किया आ गए, लेकिन उज्जैन को जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, यहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ बहुत शांत शहर है इतनी भीड़ के बावजूद भी, और यहाँ पे पशु सेवा बड़ा है। मतलब लगभग हर घर के बाहर आपको जो है गाय के लिए वो नाद मिल जाएगा जिसमें पानी भर के उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, कुत्तों को खिलाते हैं घास, मतलब कुत्तों को नहीं गाय को, और कुत्तों को खाना देते हैं, तो बड़ा पशु सेवा है यहाँ पे। और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ईमानदार हैं। हाँ रेट देखिए होता क्या है कि पीक सीज़न होता है तो रेट बढ़ते हैं घटते हैं, तो रेट पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है भाई, भीड़ बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ के लोग ईमानदार हैं, लूट नहीं मची है। और बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कितना कंसेशन करवा सकते हो, क्योंकि उसी शहर में 5000 का होटल भी है, 500 का भी है। ये है पशु सेवा यहाँ की, ये देखो भाई देखो कितने क्यूट क्यूट यहाँ पे बच्चे हैं, कितने क्यूट क्यूट ना देखो गोलू मोलू। और ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। बहुत ही प्यारे खूबसूरत दर्शन हो गए महाकाल के, थोड़ी सी आंखें मेरी नम हो गई हैं, और अब विदा लेते हैं, महाकाल का जयकारा लगाते हैं और फिर आगमन होगा महाकाल के दरबार में और फिर आएंगे यार। मैं पहाड़ों वाला लड़का हूँ, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, पहाड़ों के साथ रिलीजन मंदिर ये सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो मुझे पसंद आता था, लेकिन उज्जैन ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ इमोशंस बहुत हैं यार। जब इस शहर को अलविदा कह रहा था ना तो आंखें नम हो ही गई और बहुत सारी यादें लेके शहर से अपने शहर वापस प्रयागराज जा रहे थे, बहुत सारी यादें लेकर। तो भाई फाइनली आ चुके हैं प्रयागराज वापस, सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मोटू की खुशी देखिए, वाह मोटू कितना खुश हो गया। खुशी देखो भाई की, ये देखिए बालू साही खाएंगे सुबह सुबह, ये मोटे लोग और मोटे हो जाएंगे खा खा के। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बजट की, कि आप इस ट्रिप को कितने बजट में कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको चार्जेस बताते हैं। ट्रेन रिजर्वेशन का चार्ज स्लीपर से अगर आप लोग सफर करते हो तो आने जाने का 1000 रुपीज पड़ेगा। जाने का प्रयागराज से उज्जैन का 460 था और आने का 440 था, 900 था, तो मैंने 1000 मोटा मोटा हिसाब रख दिया है। टैक्सी चार्ज इसमें वो भी चार्जेस इंक्लूड है जिसमें हम लोग उज्जैन के आसपास के मंदिरों को विजिट किया था, तो उसका 800 हमारा लगा था और 100 रुपीज स्टेशन पहुंच के होटल तक जाने का और होटल से वापस स्टेशन आने का 1000 मैंने ऐड किया है। और भी कुछ मुख्य मंदिर अगर आप उन्हें घूमते हो तो 1500 रुपये चार्ज लगेगा। होटल चार्ज चूंकि हम लोग पीक सीजन में गए थे तो हम लोग को 2 दिन का 4000 पड़ा था, 4 से 5000 का इस टाइम पे पीक सीजन पे आपको होटल मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ डेज में अगर आप जाते हो तो रेट आधे भी हो सकते हैं। फूडिंग का पर पर्सन का मैंने 1000 से 1200 रुपये ऐड किया है, 2-2.5 दिन 3 दिन जो भी आप लोग रुकने वाले हो तो 1000 से 1200 रुपए में आपका ब्रेकफास्ट फूडिंग सब मिला के बहुत आराम से हो जाएगा। प्रसाद का मैक्स टू मैक्स इंसान बहुत प्रसाद लेगा बिकॉज बहुत सारे मंदिर हैं, तो 400 से 500 रुपए आप इसका ऐड कर लीजिए। शॉपिंग इंसान करेगा तो 1000-1500, वैसे ये सब बजट में ये सब चीज़ें ऐड नहीं करता है कोई इंसान, लेकिन मैंने इसको भी ऐड कर दिया कि आप 1000 से 1500 रुपए शॉपिंग मैक्स टू मैक्स करोगे। इसके अलावा अगर आप लोग ओमकारेश्वर जाते हो तो कैब बुकिंग करके जाते हो तो 3000 से 3500 रुपए आपका कैब बुकिंग का लगेगा, क्योंकि फैमिली वाले बहुत सारे लोग जाने वाले हैं मेरे वीडियो देखने के बाद, तो ये भी चार्जेस बताने जरूरी हैं। अगर आप स्टूडेंट हो एक इंसान हो तो पर पर्सन जो बस का चार्ज है वो 450 से 500 रुपए है, तो इसमें आपका फूडिंग का मैंने उसका भी जोड़ा है ओमकारेश्वर का, तो अब उसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है और शॉपिंग भी उसमें इंक्लूड हो चुका है। तो जो चार्ज आ रहा है अगर आप लग्जरी तरीके से ट्रैवल करते हो कैब बुकिंग करके, 5000 का अगर आपको होटल मिलता है, 1200 रुपये ब्रेकफास्ट, 500 रुपये का प्रसाद, और अगर आप एसी से भी सफ़र करोगे ट्रेन में तो वो तो और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो अगर लग्जरी तरीके से इस ट्रिप को आप करोगे तो 14000 से 15000 रुपये आपका कॉस्ट आएगा अगर आप बजट करके बजट बना के जाते हो, क्योंकि देखो इसमें चार्जेस कितने वैरी कर रहे हैं, 450 और सीधे 3500, तो उसको अगर आप एक स्टूडेंट के तरीके से कम बजट में करना चाहते हो तो आपका आराम से 7 से 8000 रुपये में ये ट्रिप हो जाएगा। अब अगर आप लोग ग्रुप में जाते हो दोस्तों के साथ, 4 से 5 लोगों का ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तो उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचने वाला है, कि अगर होटल आपको 4000 का भी मिल रहा है 2 दिन का तो 1000 पर पर्सन पड़ेगा या 500 पर पर्सन पड़ेगा, वो मतलब आप एक रूम में 4 लोग रुक रहे हो, हम लोग पूरी फैमिली एक रूम में 4 लोग रुके हुए थे, तो फैमिली का तो खर्चा आप नहीं जोड़ सकते ना कि कॉन्ट्री करके करेंगे, लेकिन दोस्तों में वो कॉन्ट्री हो सकती है।
तो अगर आप लोग ग्रुप में जाते हो तो आपका तो बहुत पैसा बचने वाला है। तो ये 7,000 का जो बजट है ना, वो पर पर्सन 5,000 पे भी आ सकता है। तो हाँ, ये भाई सर्कमस्टांसेस के ऊपर है, किसके साथ आप जा रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो। तो मैंने सब पर्सपेक्टिव से बता दिया कि कितना खर्चा आने वाला है। ग्रुप में जा रहे हो लड़कों के साथ तो 5,000, अकेले जा रहे हो तो 7,000 से 8,000, फैमिली के साथ जा रहे हो लग्जरी तरीके से ट्रैवल करना चाहते हो तो 14,000 से 15,000। ये था कंप्लीट ओवरव्यू मेरा इस ट्रिप के ऊपर। तो आपकी क्या प्रायोरिटी है कमेंट में बताना। फिलहाल आज के ब्लॉग को इस बजट रिव्यू के साथ यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी हो, ये भी बताना कि कौन कौन महाकाल मंदिर जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्या कौन कौन जा चुका है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सारा कुछ बताना। और ये सफर खत्म हुआ, किसी और नए सफर को शुरू करने के लिए बहुत सारे भी ट्रिप्स प्लान हो रहे हैं और माघ मेला भी अपने शहर में लग रहा है तो वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल हाँ, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय महाकाल।